अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कायदे आवाम यूनिवर्सिटी, कायदे आवाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी नवाबशाह में हैं और यहाँ पे हमारे साथ मोहतरम वाइस चांसलर साहब डॉक्टर सलीम समू साहब के साथ गुफ्तगू का इरादा है। यूनिवर्सिटी में आज जो चीज़ फोकस करनी है, जिसको देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस परमानेंट और उस मैच्योरिटी के साथ माजी में नहीं चलती रही हैं, लेकिन अब उन फ्रंट्स पे हमें यूनिवर्सिटी में काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। डॉक्टर साहब परमानेंट वाइस चांसलर हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो परसेप्शन के अतबार से हमारे सामने हैं कि अब चीज़ें आस्ता आस्ता अपनी जड़ें पकड़ रही हैं और पॉजिटिवली उनके रिज़ल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। आज हम यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट के अतबार से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कितनी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और यूनिवर्सिटी के मामलात कितने बेहतर तरीके से चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इससे पहले भी हमने यूनिवर्सिटी पे आपसे एक गुफ्तगू की थी और कोशिश ये की थी देखने की कि यूनिवर्सिटी के ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारी एक बड़ा एरिया और बहुत सारी पापुलेशन जो है उनके बहुत सारे मसाइल हैं और मसलों के जो हल हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं। अब माशाल्लाह आपको चार्ज दिए होते हुए और मामलात को देखने के लिए काफ़ी मौका मिल चुका। यूनिवर्सिटी का अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हाल है, किस जगह पे खड़ी है, तो ब्रीफली हमें बताएंगे कि अब आपके सामने कितनी क्लियर पिक्चर है, बावजूद इसके कि आप फ्रॉम वेरी बिगनिंग इस यूनिवर्सिटी के साथ ही हैं। बजा फरमाया आपने कि मैं शुरू से ही इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्टूडेंट, उसके बाद एज ए फैकल्टी मेंबर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट पोस्ट पे एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देन डीन फैकल्टी, फिर प्रोवाइस चांसलर, प्रोवोस्ट चांसलर, वेरियस पोस्ट पे रहने का तजुर्बा रहा मुझे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज़ माय अल्मा मेटर, तो मेरी ज़रूर ख्वाहिश भी है और काविश भी है, कोशिश भी है कि इस इदारे को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। पहले एक्टिंग के दौरान काफ़ी मसाइल सामने थे, जैसे मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अक्यूट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए मैं खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी गुजारिशात सुनी और न सिर्फ सुनी बल्कि कबूल भी किया और हमें दो दिन पहले ही कुछ रिलीजेज मिली हैं सीएम साहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। उसमें अगर मैं हमारे जो यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरीज हैं रियाजुद्दीन कुरेश साहब, उनका अगर मैं शुक्रिया अदा न करूं तो ये ज़्यादती होगी, और उनकी काविशें हैं और उन्होंने कोशिश की है कि हमें ये हेल्प मिल सके। देखें, सब लोग मुत्तफिक होंगे मुझसे कि जब तक सैलरी न मिल सके हमारे एम्प्लॉय को, हमारी फैकल्टी मेंबर्स को, ऑफिसर्स को, सैलरी तो बेसिक राइट है, वो अगर हम न दे सके तो बाकी मामला हम कैसे देखेंगे। दो चार महीने पिछले तो हमारे ऐसे गुजरे कि हम सैलरी बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे, किस्तों में हमने सैलरी दी है और वो भी ओडीज़ लेके, सेल्फ फाइनेंस के पैसे हमने खर्च करके उनमें से दी है। और अब जब पैसे कुछ मिले हैं, ज़्यादा तो नहीं मिले हैं, कुछ मिले हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि सैलरी टाइम पर दें और जो एरियर्स हैं वो भी अदा करें, कर्ज़ा जो है वो भी अदा करें। मैं जब यहाँ आया तो मुझे जो सामने चैलेंज नज़र आया वो कुछ अबंडेंट बिल्डिंग्स थी जिन पे यानी कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हो चुके थे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर भी वो काबिल इस्तेमाल नहीं थी और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ से फैज़याब नहीं हो रहे थे। दो चार बिल्डिंग का मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें केमिकल डिपार्टमेंट है हमारा, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, हमारी एक बॉयज़ हॉस्टल है और सेंट्रल लाइब्रेरी है,
ये चार चीज़ें तो मैं आपको बता दूं कि वो फंक्शनल नहीं थी मेरे आने तक, और जब मैंने फिर पीडीए से और जो कंसर्न अफराद थे उनसे मैंने मीटिंग्स की, उनसे मैंने पूछा, को पता चला कि वो थोड़ी सी मिसहैंडल्ड हुई हैं। उस वजह से हमारी एचसीसी भी हमसे नाराज़ हो गई थी और उन्होंने रिलीजेज़ रोक दी थी। फिर उनसे भी मीटिंग्स की, मैं शुक्रिया अदा करूंगा एचसीसी के मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमारी बातें सुनी, एग्री किया, और मैंने उनको बताया कि देखें यूनिवर्सिटी तो चलेगी और यूनिवर्सिटी रहेगी यहाँ पे, किसी के आने जाने से हम किसी को रोक तो नहीं सकते यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट को, तो आप मेहरबानी करके वो रिलीजेस दें और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उस जो भी बिल्डिंग्स ऐसे इनकम्प्लीट हैं उनको, जो भी टास्क इनकम्प्लीट है उसको हम कम्प्लीट करें। और जब ये बातें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता चलूँ कि चार बिल्डिंग्स जो मैंने अभी जिक्र किया वो फंक्शनल हो गई, और उसमें स्टूडेंट्स अभी उसको यूज़ कर रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, लेबॉरटरीज हो रही हैं, लाइब्रेरी अभी 7 days a week 365 days a year वो ओपन है। मैं क्या पूछूँ, हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी हुई जिस तरह का इन प्रॉब्लम्स की मिसहैंडलिंग को हम किस तरह डिफाइन हुए करें, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? हाँ, बस ये लंबी बात हो जाएगी एक्चुअली। और हो ये रहा था कि थोड़ा जो मैंने महसूस किया कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था प्रॉपर टाइमली, उसका थोड़ा सी मुझे फुकदान नज़र आया। तो फिर जब यानी कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी किसी और की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के यहाँ पे और सबकी मौजूदगी में फिर जब उनसे पूछा गया कि सारी चीज़ें आ गई, किसकी ज़िम्मेदारी थी, किसको ये करना चाहिए था, अब जबकि ये चार बिल्डिंग्स हमारी फंक्शन हो गई और सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक एचसीसी का प्रोजेक्ट जो हमारी कंप्यूटर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है और दूसरी चीज़ें हैं वो रही हुई हैं, तो मेरी कोशिश ये थी कि हम उसको भी फंक्शनल कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स यानी कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कंप्यूटर जो इस वक्त जहाँ बिल्डिंग चल रहा है वो कंप्लीट यानी कि कैपेशियस नहीं है वहाँ पर। तो उस हिसाब से जब पीडीज को और दूसरे कॉन्ट्रेक्टर से उनसे बातें हुई और उन्होंने पहले तो वायदे भी किए कि नहीं सर हम आपको 2 महीने में कंप्लीट करके देंगे, और जब उन्होंने 1 साल ज़ाया कर दिया हमारा, तो फिर थोड़ी सी मैंने उनको वार्निंग भी दी कि भाई अपना काम कंप्लीट करें, आपने पैसे लिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी का है, गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसमें मैं कोई भी रियायत नहीं कर सकता आपसे। आपको यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। ये चारों बिल्डिंग्स आपके आने से पहले की बिल्डिंग्स हैं? पहले की बिल्डिंग्स हैं, करीम कंप्लीट हो चुकी थी वाइस चांसलर करीम, मैंने कुछ बलोच साहब के दौर से, कुछ उनसे पहले की दौर की भी हैं, यानी काफ़ी सिलसिले टाइम से काम चल रहा था। तो फिर उनको जब ये टास्क दिया गया, उनको राइटिंग में दिया गया, फिर जब वो बिल्कुल नहीं माने हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर ये काम कर रहे थे, तो फिर उनको हमने लेटर लिखा कि हम इंटायर मेजरमेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द बिल्डिंग अपने स्टूडेंट के लिए, हम नहीं छोड़ यानी कि उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर जब उनको लेटर 1, 2, 3, 4 लेटर लिखे गए, वो नहीं आए, फिर मैंने मालूमात भी हासिल की कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो जो कानून में है कि उसकी इंटायर मेजरमेंट करनी चाहिए और जुडिशरी की मौजूदगी में मेजरमेंट होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये मेजरमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें एक्सटर्नल एक्सपीरियंस लोग थे। जुडिशरी को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक जज साहब को अपॉइंट किया यहाँ पे, उनकी मौजूदगी में फिर वो मेजरमेंट हुई, और वो मेजरमेंट जो भी हुई सब ने उन पर साइन किए, सब की वो सील करके हमने वो मेजरमेंट रखी हुई है। तो उस पर उस मेजरमेंट की वजह से जब पूरी मेजरमेंट हुई तो मालूम ये हुआ कि कॉन्ट्रेक्टर को एक्सेस पेमेंट हो चुकी है, जो होनी नहीं चाहिए थी, जो ज़िम्मेदार लोग थे उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो यूनिवर्सिटी एक इदारा है उसकी एक्सेस पेमेंट कैसे करते हैं, जब तक जो काम हो चुका है उसकी होनी चाहिए थी या उससे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि जब फाइनल बिल होता है उस पर बकाया पेमेंट होती है। किस
ये सारी चीज़ें हैं उस पर आनी चाहिए सरफेस में, चेकलिस्ट बनती है जो कंसर्न पीडीज इंजीनियर्स जो सेक्शन है वो चेक करते हैं कि ये काम हमने इनको दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, उन्होंने ये काम कंप्लीट कर दिया है और कितना किया है, 100% किया है तो 100% पेमेंट होगी, 90% किया है तो 90% पेमेंट होगी। कितनी एक्सेस पेमेंट होगी? हाँ, जब ये इन्होंने मेजरमेंट करके फिर जब मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था और जब मुझे मालूम हुआ कि तकरीबन इन्होंने कोई 250 मिलियन के करीब ज़्यादा पेमेंट की हुई है। और फिर मैंने इनसे मालूम भी किया अपने पीडी से और कॉन्ट्रेक्टर को भी लिखा कि भाई आपको ये एक्सेस पेमेंट हो चुकी है, आप ये हमें वापस करें। तो उस पर कुछ लोग जो कॉन्ट्रेक्टर वगैरह हैं वो कोर्ट में चले गए और जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी इंक्वायरी कमेटी जो थी उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिशन की और एचसीसी वाले भी कह रहे थे कि भाई जो आदमी ये काम नहीं कर रहा, जो जिसकी जिम्मेदारी है अगर वो जिम्मेदारी निभा रहा है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक एक्शन, तो उसके लिए मुझे एक्शन भी उठाना पड़ा क्योंकि इदारे के लिए किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इदारे के फ़ायदे के खिलाफ बात करे या खिलाफ काम करे। तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि अभी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए पीडी को मैंने सस्पेंड कर दिया और एक एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी मैंने बना ली है। अभी जैसे उसकी कमेटी की रिपोर्ट आती है वो हम सिंडिकेट में रखेंगे क्योंकि सिंडिकेट इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वाइस चांसलर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने तो इंटरम के मेजर्स लिए हैं और उसको सस्पेंड किया है, कमेटी की इंक्वायरी आ जाए तो वो हम रखेंगे उस पर तकरीबन। सारी ये मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ बिल्डिंग्स में ये 250 नहीं 24 बिलियन हैं जो एक्सेस पेमेंट है और बाकी दूसरी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं वो उसमें अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि 250 से भी ज़्यादा चीज़ें ऊपर आ जाएं। ये एक बिल्डिंग की मैं बात बता रहा हूँ कि 24 मिलियन की, अब मुझे याद आया कि 24 मिलियन क्योंकि इनका काम जो किया हुआ है वो अराउंड 60 मिलियन का था, पेमेंट जो हो चुकी है वो 84 मिलियन हो चुकी है। बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी, उनकी भी आप इस टाइप की ऑडिट इस चेकिंग करा रहे हैं? हाँ, ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कंसर्न सेक्शंस को कि उनकी भी इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, कमेटीज हमने बना ली है कि बाकी अब जब एक चीज़ सरफेस पे आ चुकी है कि इसमें एक्सेस पेमेंट हुई है या पुअर क्वालिटी का काम हुआ है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बाकी जितने भी काम हैं उनकी भी रिपोर्ट आ जाए कि क्या है और सही तरीके से आ जाए। तो इसलिए मैंने इंक्वायरी कमेटी बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने कहा हुआ है कि जल्द अज जल्द वो इंक्वायरी रिपोर्ट दें तो वो सिंडिकेट में रख के फिर सिंडिकेट जैसे ही रिकमेंड करेगी उस पर अमल किया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं अबंडेंट पड़ी हुई हैं, गैर इस्तेमाल हो रही हैं, इस्तेमाल नहीं हो पा रही। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल भी, 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 2 तो कंप्लीट हैं काफ़ी टाइम से, बन लोग स्टूडेंट्स रह रहे हैं हमारे, एक जो है न्यू गर्ल्स हॉस्टल उसको कहते हैं वो भी इन्हीं की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई और स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स रह रहे हैं। मुझे बिल्कुल अफसोस होता है वहाँ जाके देख के कि वो किस हालत में रह रही हैं और मेरी कोशिश है कि वो गर्ल्स हॉस्टल में जल्द अज़ जल्द कम्प्लीट करके और हाँ उनको भी शिफ्ट तो रह रहे हैं मगर हालात ऐसे नहीं है कि वो उससे। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है वो बात चल निकली है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आप सिंध के चंद उन वाइस चांसलर्स में हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन स्टार्ट की, वहाँ पे पढ़ा, उसके बाद और ज़्यादा हायर एजुकेशन के पास जाके उसी यूनिवर्सिटी को सर्व किया, पढ़ाया और एलिवेट होते होते एक प्रोसेस के साथ वाइस चांसलर के अहदे पर पहुँचे। यानी इसका मतलब है कि कायदेआबाद यूनिवर्सिटी के जो ए टू जी है उससे आप वाकिफ़ हैं। आम तौर पे कहते हैं कि रंग रंग से वाकफ। मैं भी एक जर्नलिस्ट, इंजीनियरिंग जर्नलिस्ट, मैं बहुत सारी चीज़ें माजी में भी सुनता रहा हूँ कि कायदेआबाद यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट फंड्स के साथ, पैसों के साथ, हर किसी चीज़ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी तबाही हुई है। वो कह रहे हैं कि जितने पैसे इस यूनिवर्सिटी को आए हैं
اور اس کا 50% بھی ریئل انداز میں استعمال ہو چکا ہوتا تو آج ڈاکٹر سلیم سمو صاحب کو اتنی ڈیفیکلٹی کا شاید سامنا نہیں ہوتا۔ کیا آپ سے پہلے وائس چانسلرس جو تھے انہوں نے واقعی بہت ہی بگاڑ پیدا کیا جس طرح پرسیپشن ہے، یا یہ حقیقت ہے؟ آپ نے بجا فرمایا کہ میں یہاں سے ہی پڑھا ہوں اور یہیں میں نے کیریئر کا آغاز کیا، اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں یہاں کا نیٹو بھی ہوں نواب شاہ کا، تو اس لیے میری زیادہ اٹیچمنٹ ہے ایڈیشن ہاں۔ اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے کہ کتنے پیسے آئے، کتنے خرچ ہونے چاہیے تھے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی غیر موجودگی میں یہ بات ہو، سب لوگ سامنے ہو تو بہتر ہے۔ مگر اب جب کہ میں نے فگرز دیکھی ہیں اور یہ ایک بلڈنگ میں تھوڑی سی چیزیں نظر آئی ہیں، تو پرسیپشن تو ہو سکتی ہے کہ اس سے کچھ کام بہتر ہو سکتا تھا، مگر شاید یہ 100% صحیح بات بھی نہ ہو کہ سارا پیسہ زیان ہوا ہے، غلط استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ وائس چانسلرس نے رسک لے کے بھی یہاں پہ کام کیا ہے ماضی میں، اور جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا، آج کل جو آپ نے جتنی بلڈنگز اور چو دیواری دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکس دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان وائس چانسلر کے کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور صرف میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے غلط استعمال کیا، مگر یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ تھوڑی سی لفظ استعمال میں کروں کہ چیک اینڈ بیلنس اگر زیادہ بڑھایا جاتا اس ٹائم میں، شاید چیزیں کچھ امپروو ہوتی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بوائز ہاسٹل ہماری تھی، جس چار بلڈنگس جی میں بات کر رہا ہوں، ان میں ایک بوائز ہاسٹل تھی، میرے آنے سے پہلے ہی، میرے چارج لینے سے پہلے وہ ہینڈ اوور ہو چکی تھی، تقریباً میرے آنے سے ایک سال پہلے وہ ہینڈ اوور چکی تھی، مل چکی تھی، اور بدقسمتی سے اس میں اسٹوڈنٹس کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی اور وہ رہ نہیں پائے۔ میرے آنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ ہینڈ اوور ہو چکی ہے، اور اس میں تھوڑا سا جو بھی کام تھا وہ کروا کے میں نے اسٹوڈنٹس کو جب وہاں پہ شفٹ کیا، تو ایک دن پروسٹ ہاسٹل میرے پاس آیا کہ سر اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مچھر آ رہے ہیں کمرے میں، حالانکہ ایلومینیم کی ونڈوز لگی ہوئی ہیں اور اس میں نیٹ بھی ہے، جو آپ ڈیزنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہے۔ تو جب میں نے وہ پی ڈی کو بلایا، کہا کہ بھائی وہ نیٹ کہاں ہے، مچھر کیوں آ رہے ہیں کمرے میں، تو اس نے پہلے فرصت میں تو یہ کہہ دیا سر شاید وہ نہ ہوگی اس میں، یعنی کہ نیٹ نہیں ہوگی، وہ اس میں نہیں ہے بی او کیوز میں۔ تو میں نے اسے کہا بی او کیوز لے کے آئیں، جب وہ لے کے آیا تو اس میں تھا ایز پر ڈرائنگ، تو میں نے کہا ڈرائنگ لے کے آئیں، تو ڈرائنگ جب دیکھی تو ڈرائنگ میں تھی۔ میں سول انجینئر تو نہیں ہوں مگر تھوڑا سا تجربہ ہے، تو میں نے اسے پوچھ لیا، میں نے یہ ڈرائنگ میں یہ لکھا ہوا ہے، تب اس نے کہا کہ ہاں سر وہ کروا دیتے ہیں، اور یہ 1.5 سال پہلے ہینڈ اوور ہو چکی تھی، اور یہ ایک پینل جو کہ اس کا نیٹ کا ہے وہ ابھی لگا۔ تقریباً ہمارے اس میں 200 کے قریب پینلس ہیں، اس کی کاسٹ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور وہ مسنگ تھا۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس اگر اس ٹائم بڑھایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چیزوں کو دیکھا، ایک سارے پروسیس میں ایک یونیورسٹی میں آپ خود بیٹھے ہیں اور آپ بالکل بخوبی اور اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس شاید بالکل ٹو قسم کا پرسیپشن ایک پکچر ہو، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کمپلینٹس جو ہیں وہ ریفرنسز میں، کیسز میں کنورٹ ہوئے، لوگوں نے بارگین پلی بھی کیا اسی یونیورسٹی سے۔ ظاہر ہے کہ بارگین آپ تب کرتے ہیں سلیم صاحب کے جو آپ کے اوپر الزام ہے وہ ثابت ہے، آپ نے پیسہ ہضم کیا ہے تبھی تو واپس دے رہے ہیں نا۔ اٹ مینس کہ پرسیپشن کا ایک بڑا حصہ وہ صحیح ہے نا، یعنی پیسے کے ساتھ بڑی تباہی کی گئی۔ میں اس لیے اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے اس چیز کا ویسے بھی علم نہیں ہے،
और जिस चीज़ का इल्म ना हो उस पर कमेंट क्या करेंगे। और जैसे आपने कहा कि कोर्ट्स में केसेस हैं और जब मामला सब जुडिस हो जाता है तो उस पर बात नहीं भी करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए इसका अदालतों का। अगर किसी ने बार्गेन की है तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है उसका जवाब देने के लिए। सही है, लेकिन सलीम साहब इस वक्त जो है वो कस्टोडियन है क्वेस्ट। सही बात है आपकी। और जा रहे कि अल्लाह को हाजिर नाजुर समझ के ये सारी चीज़ें एक ऐसा प्रोफेसर वाइस चांसलर जो जिसको अल्लाह को वापस जवाब देना है वो तो ज़्यादा फील करता है कि मुझे किस तरह प्रिजर्व करनी है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो माजी में जो कुछ हुआ है, कभी आपकी ख्वाहिश हुई कि उसको ज़रा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए अपने तौर पे, या कोई आपके पास फिगर है कि कितना पैसा आया? मंजूर साहब, मैं आपको चल सकता है डॉक्टर साहब के मंजूर साहब, मैं आपको बता दूँ कि इंसान अपने अमल का जवाब दे है। और आपने सही फरमाया कि मैं कस्टोडियन हूँ इस वक्त, मैं जब से मैंने चार्ज लिए मैं उस टाइम से एन आनवर्ड जब तक हूँ यहाँ पे, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ है तो उसका तो ज़रूर मैं एंसरेबल हूँ, जवाबदेह हूँ। उससे पहले का वो लोग जो जिन्होंने अमल किया है वो जवाबदेह हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर थोड़ी चेक एंड बैलेंस बढ़ाई जाती तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती थी और चीज़ें बेहतर तरीके से हो सकती है, बेहतर हुई भी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ वाइस चांसलर, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे फाउंडर वाइस चांसलर काजी कबीर साहब जो मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ट्रैक पे लेके आए हमारी यूनिवर्सिटी को। तो ऐसे वाइस चांसलर गुजर चुके हैं यहाँ पे, डॉक्टर जुनेजो साहब अभी तक ज़िंदा हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए काम करते रहे हैं लोग और बेहतर करते रहे हैं। उनके बाद भी जो वाइस चांसलर आया उन्होंने भी काम किया है। मैं एक्चुअली यानी कि इसलिए भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि उस वक्त आई वाज नॉट इन पिक्चर कि क्या हो रहा है। आई वाज नॉट इन दो आई वाज प्रो वाइस चांसलर, मगर मैं एकेडमिक को लुक आफ्टर कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त एकेडमिक काफ़ी बेहतर हुई थी। हम कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार सारी चीज़ें करवा रहे थे, तो मेरा डोमेन वो था, तो मैं इसलिए डोमेन से इधर उधर नहीं देखता था। अभी भी डोमेन अगर मेरा कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी है तो मैं कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं देखने की कोशिश करूंगा कि फला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मेरा वो डोमेन भी नहीं है। एक चीज़ है, देखिए काजी कबीर साहब की आपने बात की, काजी साहब की जुनेजो साहब की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो परसेप्शन जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मैं डॉक्टर साहब के चेहरे पर पढ़ सकता हूँ कि किस तरह रिस्पेक्ट है, मैं जानता हूँ उन लोगों को। लेकिन मिसाल के तौर पे बलो साहब और अली बख्श साहब की बात होती है डिफरेंट है, उन्हीं जैसा परसेप्शन डॉक्टर सलीम समूह का क्यों नहीं बनता? आई मीन देयर इज समथिंग दैट्स व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुराना प्रोसेस जो भी कुछ हुआ उसमें जो कुछ हुआ वो इनकी लेगेसी जो है यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस की, करप्शन की, मैं कहूँ कि मुबैना करप्शन की, चलें ठीक है, वो सर्किल यहाँ पे आप ब्रेक करने में कितना कामयाब हो गए हैं कि अब कम से कम उस तरह नहीं है? मैंने वाज़े लफ्ज़ में जो भी स्टेक होल्डर हैं सबको बता दिया है मैंने कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा अभी। okay. और पर्सनली चेकिंग होंगी, चेक्स होंगे, और मैंने जो भी इंजीनियर सेक्शन के हैं कंसर्न लोग उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए और उसका एक बता भी दूँ एक आउटकम कि हमारी एक बिल्डिंग बनी थी जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने कोशिश की कि वो जो कॉरिडोर में ग्लेजिंग लगती है यानी कि जाली लगती है उसमें उसने वो गेज कम लगाया हुआ था, पैसे हमसे ज़्यादा गेज के ले लिए और लगा हो रहा था। वो चीज़ रिपोर्ट हुई मेरे पास और ख़ुशी की बात यह है कि वो सारी की सारी कॉरिडोर तकरीबन को 300-400 फुट का था वो सारी चेंजेस हुई, उसको चेंज करवाया मैंने, उसको उतरवा के फेंक दिया। तो इस हिसाब से अब सब लोगों को मैसेज कन्वे हो गया है कि नहीं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और कुछ वाइस चांसलर की बात बिल्कुल मुझे याद भी, जैसे मैं आई बी एस सखर की बात बताऊँ आपको, अच्छा डॉक्टर साहब आई बी एस सखर की बात बताऊँ आपको कि
निसार साहब जो भी काम करवा रहे हैं, क्वालिटी खुद रिफ्लेक्ट कर रही है, खुद बता रही है कि क्या क्या बिल्डिंग की क्वालिटी है। दो डॉक्टर निसार साहब इंजीनियर तो नहीं है, मगर हमारे लिए ज़रूर शर्मिंदगी की बात होती है जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होते हुए अगर हम क्वालिटी की बात न करें, क्वालिटी न दे सकें। तो अभी जो भी इंशाल्लाह बिल्डिंग्स बनेंगी, ज़रूर बनेंगी इस दौर में, कोशिश यही है। अभी HEC ने पैसे रिलीज़ किए, उसमें भी हम दो चार बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट भी है, इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, माहिर प्रोफेसर्स हैं, उनकी निगरानी में मैं कहूँगा कि आर्किटेक्ट व्यू हो उसका, क्वालिटी हो वो बेहतर हो। बाकी जो आपने बातें की उसमें बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी शुरू करवा दी है और वो इंक्वायरीज चल रही हैं यहाँ की बिल्डिंग्स के पे भी और लाड़काना की बिल्डिंग्स पे भी, जो हमारा कैंपस है। तो वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, उसके बाद ये परसेप्शन क्लियर हो सकेगी कि क्या हुआ था, कुछ हुआ भी था या सिर्फ बातें थी। तो वो उसके बाद सारे लोग क्लियर पोजीशन में होंगे, वाज़े पोजीशन में होंगे, कुछ बात कर सकें। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। यार इस वक्त जो है वो डॉक्टर सलीम समूह साहब जो है ये वसूख से कह रहे हैं और सबको यकीन दिला रहे हैं कि अब जो डेवलपमेंट वर्क्स होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश उसमें ज़रूर रहेगी, हमारी कोशिश होगी कि वो क्वालिटी क्वालिटी का काम हो इंशाल्लाह। अच्छा, एज अ होल जो एक परसेप्शन है यूनिवर्सिटी में एंटर होते हुए, वो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, हमारा भी ये ख्याल है कि लगता है कि इसको ना भी वाकई एक यूनिवर्सिटी का सारा माहौल, बाकी जो डिपार्टमेंट्स का जो इंटरनल सारा सब कुछ है, पढ़ाई का निज़ाम है, लास्ट टाइम आपने बताया कि उसको भी आपने बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस वक्त हम कंपेरिजन करें कायदे आवाम यूनिवर्सिटी का मेहरान से, NED से, जो सिंध में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब मैं उस रैंकिंग को नहीं कह रहा जो दूसरी जगहों पे है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि अगर मेहरान और सिंध यूनिवर्सिटी 10 पॉइंट्स पे खड़ी है तो क्वेस्ट के कितने पॉइंट्स हैं? मंजूर साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आई बिलीव इन टीम वर्क। मेरे जो भी टीम मेंबर्स हैं, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, HODs हैं, डीन्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो ऑन कर रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है, क्लियर बता दिया है कि ये वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी नहीं है, जो परसेप्शन होता था कि वाइस चांसलर जैसा चाहे वैसा करे। मैंने कहा ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, आप इसको ऑन करें और आप आगे आएँ। उसका नतीजा ये है कि अगर आप यहाँ से मेरी ऑफिस से निकल के बाहर जाएंगे तो दो चार आपको एक्टिविटीज़ ज़रूर नज़र आएंगी और मुसलसल ये चलती रहती हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये ओनरशिप एटीट्यूड उनका आ रहा है। जहाँ तक रैंकिंग की बात कर रहे हैं, मैं ये बताते खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब किन चीज़ों में मेरा यूनिवर्सिटी भी हमें फॉलो कर रही है। हमने एडमिशन सिस्टम बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया था, बाकी चीज़ें एंट्री जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट रही है हमारी, और साइंस प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कर दी हैं, दो प्रोग्राम इंजीनियरिंग के हम नेक्स्ट ईयर एकेडमिक काउंसिल से हमने वो ले ली है, परमिशन ले ली है, वो भी स्टार्ट होंगे। वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव मूव है। और मैं ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, वो हम कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स की मैंने आपको बात बताई, सब लोग दिलो जान से वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। नतीजा खुदा के हाथ में है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वन डे कायदे आवाम यूनिवर्सिटी विल बी टॉप एट द रैंकिंग लिस्ट। मेरी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये नंबर वन पे हम आ जाएंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है, अल्लाह करे, हम लोग दुआ करते हैं कि इस तरह हो। आखिरी सवाल पूछूंगा और वो सवाल जो है मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपका पूरा विज़िट किया, डॉक्टर सत्तार साहब ने मुझे पूरा विज़िट कराया,
عام طور پہ پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی جو رورل علاقے میں ہے, آس پاس کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ اگر انجینئرنگ پڑھا رہی ہوگی تو موسٹلی تھیوریٹیکل سائڈ وہ ہو رہا ہوگا. یہ اتنی ساری مشینیں میں نے دیکھی لیبارٹریز میں, تو یہ میریکل کیسے ہو گیا؟ میں اتنی مشینیں کہاں سے آ گئی؟ فرینکلی اسپیکنگ, کافی ٹائم سے ہمارے پاس ہیں, جیسے ہمارے پاس, ہاں ہاں, یہ بجا فرمایا آپ نے کہ جیسے ہمارے پاس پاور لیب ہے, اس میں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے, آج تک کہیں نہیں ہے, یہ بتا دوں آپ کو. جو ہمارے پاس میکینیکل انجینئرنگ میں بہت بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں اور ورک شاپ ہے, میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے بھی کافی یونیورسٹیز پاکستان کاؤنسل کے تھرو وزٹ کی ہیں, ان کی ایکریڈیشن کے لیے گئے ہیں, دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایسی میکینیکل انجینئرنگ ورک شاپ, اتنی بڑی لیبارٹریز, اتنا اچھا ایکوپمنٹ, کم از کم میکینیکل, سول اور الیکٹریکل کا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. ابھی جو آپ نے دو چار یونیورسٹی کے نام لیے تھے, وہ بھی جا کر آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسی مشینری یا ایسی لیب, اور یہ نہیں کہ صرف لیبس ہیں, مشینری ہے اور ورک شاپس ہیں, نہیں, ہمارے ٹیچرس جو ہیں وہ پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں. بات چلی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں انٹرنشپ ہمارے پاس کم ہوئی ہے, کیونکہ اب سراؤنڈنگس میں انڈسٹریز نہیں ہیں, اور جب سراؤنڈنگس میں نہیں ہو تو سراؤنڈنگ سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ابھی ہماری ٹیم نے جتنے بھی, اس میں ایک انڈسٹریلائزیشن کے ڈائریکٹر میں نے بنایا تھا, نوجوان آدمی ہے, اور ڈاکٹر انصاف, ان کی کوشش سے, ان کی کمیٹی کی کوشش سے, ان کی ٹیم کی کوشش سے تقریباً 1500 اس سال 2019 میں ہم نے انٹرنشپ کروائی ہے. دیٹ از دا ریکارڈ. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اتنی بڑی لیول پہ انٹرنشپ ہوتی ہوں گی. یہ تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے 2019 میں, میں نے اپریل میں جوائن کیا ہے, ابھی 6 مہینے ہوئے, یہ وہ بڑی بات نہیں ہے, مگر کوشش ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کریں, تو ان شاء اللہ وی آر موونگ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. بیسٹ آف لک ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا.